वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला के डे नंबर 5 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एंड ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। रियली सॉरी गाइस, कल रात को मैंने बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन नहीं बनाया, काफी लेट हो गया था, लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना गाइस कि वीकेंड के बाद अगर कोई फिल्म आ जाती है जहां पर आपको बैंक हॉलिडे मिल जाती है, यानी कि एक नेशनल हॉलिडे मिल जाती है, देन गाइस वो सोने पे सुहागा हो जाता है। एंड जब आपकी फिल्म 4 दिनों में 50 करोड़ कमा लेती है, एंड गाइस जो 5वां दिन रहता है वो एक गुरु नानक जयंती का दिन रहता है, यानी कि बैंक हॉलिडे, देन गाइस योर कलेक्शंस शूट अप मैसिवली। एंड जो आपके फर्स्ट वीक का टोटल, जहां लग नहीं रहा था कि 66 करोड़ रुपीज जाएगा, वहां पर 70-75 करोड़ प्रेडिक्ट करना फर्स्ट वीक के लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए गाइस, आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं विद द मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी। मॉर्निंग यू नो बाला ओपन विद 25% ऑक्यूपेंसी। लिटरली स्पीकिंग 25% ऑक्यूपेंसी ऑन अ नेशनल हॉलिडे इज अ वेरी बिग थिंग। सुबह यूजुअली लोग सोते हैं, आराम से उठते हैं, पिक्चर देखने नहीं जाते, लेकिन गाइस कॉमेडी फिल्म्स लाइक बाला, उनकी सबसे बड़ी यू नो एडवांटेज ये है कि ये रिपीट वैल्यू लेकर आती है, यानी कि एक बार आप देख लेते हो खुद अकेले तो फिर अपने दोस्तों को ले जाते हो, दोस्तों के साथ देख ली तो अपने पेरेंट्स को ले जाते हो, और पेरेंट्स के साथ भी देख लिए और वीकडेज पर अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाते हो। तो ये फिल्मों का ये फायदा रहता है, द रिपीट वैल्यू ऑफ सच फिल्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई कलेक्शन। बात करें आफ्टरनून की, तो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 33-37% जंप हुई, एंड इवनिंग वॉज मैसिव 40-45%, एंड रात होते होते फिलहाल 55-60% पे बाला पूरे इंडिया में चल रही है। बात करें ऑक्यूपेंसी यू नो इसकी सिटी वाइज, तो दिल्ली में 42% लेके चल रही है, संडे को 34 था, आज 42 है, मुंबई में 29% है, मुंबई में संडे वॉज जस्ट 27। बात करें पुणे 16, यानी कि ये फिल्म प्रोमिनेंटली मेट्रो सिटीज जो है एस्पेशली मुंबई एंड दिल्ली, वहां पर लोगों को ज्यादा ही पसंद आ रही है, एंड मल्टीप्लेक्स ऑडियंस इस फिल्म को बहुत इंजॉय कर रही है। बात करें बेंगलुरु 34%, कोलकाता वॉज 31 इक्वल टू संडे, अहमदाबाद 30% था, सूरत वॉज मोर देन संडे 41%, एंड हैदराबाद वॉज 52%। जस्ट बिकॉज ऑफ लो ऑक्यूपेंसी इन पुणे, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ये तीन शहर अगर संडे के लेवल पे होते तो कलेक्शंस भी वहां तक जाते, लेकिन ये सबसे बड़ा स्पॉइलर था यानी कि इसके कलेक्शंस में, वो है इसके टिकट के प्राइसेस। फ्राइडे सैटरडे संडे जो रेट्स पे फिल्म चलती है वो ट्यूसडे को नहीं चलती है, इसी कारण इसका कलेक्शन है वो कम आएगा। इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर बाला ऑन इट्स 5th डे विल बी 9.5-10 करोड़ रुपए। ये 10 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है, ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स नाइट शोज, लेकिन कहते हैं ना कि कलेक्शन लोग बहुत सही तरीके से भेजेंगे, तो लेट्स सी 9.5-10 करोड़ इज माय प्रेडिक्शन। एंड अगर ये कल 9.5 करोड़ रुपए कमा लेता है, देन गाइस 5 दिनों में बाला विल बी 61.71, यानी कि 61.71 करोड़ ये सिर्फ मात्र 5 दिनों में कमा लेगा। फिर वेडनेसडे 8 एंड थर्सडे 7.5, ये फिल्म कहीं ना कहीं अब 76-77 करोड़ का फर्स्ट वीक टारगेट कर रही है। ये बंदा अब कलेक्शन भी ले रहा है, खींच खींच कर ले रहा है, डोंट बी सरप्राइज अगर ये आयुष्मान खुराना की पहली फर्स्ट 150 करोड़ फिल्म बन जाए, तो डोंट बी सरप्राइज दूसरा हफ्ता इससे तगड़ा होगा, इससे स्ट्रांग होगा। ओके गाइस, होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपने बाला देख ली है तो आपका फेवरेट सीन कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा फेवरेट सीन है वो टिकटॉक वाला सीन, जहाँ पे वो बॉबी देओल और बहुत सारे एक्टर्स की यू नो टिकटॉक वीडियोस बनाता है। एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।